साथियों, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के 13वें संस्करण का अंतिम व 45वां लीग मुकाबला 12 नवंबर को एन चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका है और यह मैच भारत के लिए औपचारिक मात्र है। इस मैच के हारने से या जीतने से भारत को कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत इस मैच को जीतकर अपने विजय के क्रम को यथावत बनाए रखना चाहेगा। कल के मैच के लिए भारतीय टीम में अहम बदलाव किया जा सकता है। इस कारण भारतीय टीम कुछ मुख्य खिलाड़ियों को विश्राम देकर अलग प्लेइंग 11 उतार दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा क्रिकेट ज्ञान है और यह कहता है कि कल के मैच में कप्तान रोहित शर्मा विश्राम करेंगे और टीम का नेतृत्व का दायित्व केएल राहुल को सौंप सकते हैं। कल के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है। ओपनिंग शुभमन गिल व ईशान किशन के द्वारा कराई जा सकती है। कोहली के जगह पर सूर्य कुमार यादव फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी के लिए आ सकती है। उसके बाद श्रेयस अय्यर, फिर कप्तान केएल राहुल। गेंदबाजी में भी बुमराह व सिराज को विश्राम देकर प्रसिद्ध कृष्णा व शार्दुल ठाकुर को मौका दे सकता है। अगर स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो कुलदीप की जगह अश्विन को मौका दिया जा सकता है, जबकि दूसरे स्पिनर की भूमिका रविंद्र जडेजा निभाएंगे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी निसंदेह मोहम्मद शमी के साथ शार्दुल ठाकुर से कराई जा सकती है। कुल मिलाकर भारतीय टीम को देखा जाए तो संतुलित नजर आ रही है। अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो विराट कोहली को खिला सकती है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा और मुख्य खिलाड़ियों को विश्राम देकर नीदरलैंड्स के खिलाफ औपचारिकता पूरा करने हेतु अलग टीम उतार कर मुख्य खिलाड़ी को आराम करने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। तो हमारी संभावित भारतीय 11 इस प्रकार होगी। सलामी जोड़ी शुभमन गिल और ईशान किशन, मध्यक्रम में सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, कप्तान क्लेयर राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा एवं कुलदीप ये कल भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों, ये था भारत और नीदरलैंड के बीच भारत का संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।